खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात में महज कुछ दिन की प्रैक्टिस कर एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा का स्टेट लेवल बॉक्सिंग में सिलेक्शन हो गया। खास बात यह है कि कानपुर देहात जिले में बॉक्सिंग रिंग तो छोड़ दीजिए एक स्टेडियम तक नहीं है। छात्रा मैरी कॉम को अपना आइडल मानती है, भविष्य में मैरी कॉम की तरह शानदार बॉक्सर बनना चाहती है। वही नहीं, बॉक्सर ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर डीएम कानपुर देहात से भी दो दो हाथ किए और डीएम ने भी नन्ही बॉक्सर का लुआ माना। तस्वीर देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय में बॉक्सिंग ग्लव पहनकर जिलाधिकारी से दो दो हाथ करती ये छात्रा खुशी कश्यप है। खुशी की उम्र लगभग 13 साल है। खुशी कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र के क्षेत्र इंटर कॉलेज कक्षा 9 में पढ़ती है। खुशी कश्यप का स्टेट लेवल बॉक्सिंग से सिलेक्शन हो गया। खास बात ये, खुशी के कुछ दिन ही गांव के देसी तरीके से प्रैक्टिस की, क्योंकि कानपुर देहात जिले में बॉक्सिंग रिंग तो छोड़ दीजिए कि स्टेडियम तक नहीं है। खुशी के सिलेक्शन से कॉलेज की छात्राएं भी उत्साहित हैं। कानपुर कॉलेज का पूरा स्टाफ भी गौरवित महसूस कर रहा है। खुशी अपना आइडल मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम को मानती है और भविष्य में मैरी कॉम की तरह अपना और अपने जिले का नाम रोशन करना चाहती है। खुशी बताती, महज कुछ दिन की प्रैक्टिस की और उसका सिलेक्शन स्टेट लेवल बॉक्सिंग में हो गया। खुशी को अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही घर वाले भी खुशी को बॉक्सिंग की दुनिया में बुलंदी के शिखर पर देखना चाहते हैं। कल खुशी बुलंदशहर में स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। सिलेक्शन के बाद खुशी कानपुर देहात के जिलाधिकारी निया जैन से मिली। डीएम निया जैन ने बॉक्सिंग ग्लव पहनकर खुशी से दो दो हाथ किए और खुशी को गले लगाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। डीएम ने कहा कि सरकार भी बेटियों के लिए फिक्रमंद है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को खिलाओ सरकार का नारा है। सरकार स्कूल फॉर स्पोर्ट्स योजना चला रही है, जो हर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा निकाल कर सामने आ रही है। खुशी का स्टेट लेवल में सिलेक्शन बेहद खुशी की बात है। गौरतलब है कि कानपुर देहात अति पिछड़ा ग्रामीण जिला, जिले में एक भी स्टेडियम नहीं है। बॉक्सिंग रिंग तो छोड़ दीजिए, वहीं ग्रामीण परिवेश से बिना ट्रेनिंग के खुशी का स्टेट लेवल बॉक्सिंग में सिलेक्शन नजीर है। कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल हासिल कर ही लेती है। कॉलेज से एक बच्चे के जो है सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग में, तो क्या है पूरा मामला, कितने दिन उसका अभी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है मंडल लेवल पर, तो वो स्टेट में जो है जो प्रतियोगिता बुलंदशहर में 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में है, उस 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में स्टेट लेवल पर उसका प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिलेक्शन किया गया है कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो आप कैसे उसकी पहचाना, कितने दिन की प्रैक्टिस है उसकी? वैसे भी वो खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही है। अभी लगभग 15 दिन पहले से, जब से ये बॉक्सिंग का या मुक्केबाजी का सर्कुलर जारी हुआ, तो उसको चिन्हित किया गया और उसको हमारे यहाँ कोच एक हैं, उन्होंने कोच ने जो है थोड़ा बहुत उसको गाइड किया और जिससे उसका सिलेक्शन हुआ। स्टेडियम की बात तो छोड़ ही दीजिए, कानपुर देहात ज़िले में बॉक्सिंग रिंग तक ना होगा उसके बाद जो है बच्चा जो है स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो जाता है। अब विद्यालय में तो उसको इसके पूर्व नहीं कराया गया, लेकिन हो सकता है कि वो अपने घर पर या ऐसी कोई प्रैक्टिस करती रही हो जिससे उसका परिणाम मिला है। और बच्चे इससे इंस्पिरेशन लेंगे? जी, और यहाँ पर काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं। बेटा खुशी कश्यप किस क्लास में पढ़ती है? 8। बेटा आप स्टेट लेवल में, आपका बॉक्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस करते हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या बनना चाहती हैं? अच्छा, स्कूल की तरफ से क्या सपोर्ट मिला, कितने दिन की प्रैक्टिस है आपकी? तो अब भविष्य में क्या क्या करना चाहती हैं? डीएम मैन से मुलाकात हुई, दो दो हाथ भी हुए, क्या बोली डीएम मैम? ये बताइए कि आपकी बच्ची का स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो किसको श्रेय देना चाहती है इसका? सर को। अच्छा, तो ये बताइए कितने दिन की प्रैक्टिस है, क्या बचपन से मार धाड़ करती थी? नहीं, अभी एक दो महीने से। तो एक दो महीने में भी प्रैक्टिस से स्टेट लेवल पे सिलेक्शन? अच्छा, आप लोग सपोर्ट करते थे? किस लेवल पर अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहती है? तो आप लोग पूरा प्रयास करेंगे, छोटी मेरी काम का साथ देंगे? हाँ जी, 4 दिन से 5 दिन से तो हो गए लगातार करते हैं।
कहाँ जाना है खेलने? कहाँ जाना है? क्षेत्रीय इंटर कॉलेज है, वहाँ की छात्रा का स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना है संदर्भ में आपको? देखिए, प्रदेश सरकार निरंतर इसी प्रयास में है कि बच्चों का ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ना ही सिर्फ एकेडमिक्स परंतु स्पोर्ट्स में भी बच्चे आगे जाएं। इसी क्रम में S4S स्कूल फॉर स्पोर्ट्स का एक नया अभियान जो हमारे शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है, उसमें सभी स्कूलों को कुछ विशेष जो स्पोर्ट्स हैं उनमें अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। और हमारे जनपद से खुशी की बात है कि एक खुशी कश्यप नाम की जो बच्ची है वो बुलंदशहर जा रही है पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरी उससे बात हुई है तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि अभी उसने 10 दिन पहले ही बॉक्सिंग करना शुरू किया। तो अच्छा है कि गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव से जो हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में जो छुपी हुई जो प्रतिभा है वो भी बाहर निकल के आ रही है, और वो बच्चे जिनको जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको स्कूल में भी स्पोर्ट्स के ऊपर इतना फोकस करेंगे वो भी निकल के आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है और एक बच्ची है तो बेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।